दिवसे दयालजी बाग पासे तापी माथे एक महिला ने बाळकीनो दुपट्टा वडे बांधेली हालत में मृतदेह मळी आव्यो हतो। कोई राहदारी की नजर पड़ता पुलिसे जाण कराई हती। पुलिसे फायर ब्रिगेड की मदद थी महिला तथा बाळकीना मृतदेह बहार काढ़ी तपास शुरू करी हती। दरमियान माता पुत्री ने लईने जती सीसीटीवी में कैद थई गई हती। मृतक माता दीपाली सागर देवी और बे वर्षीय पुत्री क्रिशा की ओळख थता परिवारजनों सीविल होस्पिटल पहुंचा था। पियर पक्षे जणाव्यु कि पारिवारिक झगड़ा ने कारण आ पगलू भर्यु होय एम लागे छे। सूरत शहर डींगली विस्तार में आवेल करार रोड प्रयोसा पार्क खाते रहता सागर बद्रीनाथ देवे गत तारीख 7/5/2022 रोज 26 वर्षीय दीपाली सागर देवे और बे वर्षीय बाळकी क्रिशा साथ अगम्य कारणोसर घरे थी निकली गया होवानी अरजी डींजोली पुलिस मथके नोंधावी हती। पुलिसे फरियाद नोंधी कार्यवाही हाथ धरी हती। गत रोज रांदेर पुलिस स्टेशन की हद में आवेल रिवर व्यू हाइट्स पासे तापी नदी माथी दुपट्टा साथे बांधेल माता पुत्री नी खोवायेली हालत में लाश मळी आवी हती। घटना की जाण फायर विभाग ने थता तात्कालिक घटनास्थले दौड़ी नदी माथी बंने नी लाश बहार काढ़ी रांदेर पुलिस ने कब्जे करी हती। परिवारजनोए माहिती मळता तेओ तात्कालिक दौड़ी आव्या हता। मृतकना पति सागर देवे इलेक्ट्रिक कॉन्ट्राक्टर तरीके काम करे छे अने पत्नी दीपाली सागर देवे अने बे वर्षनी बाळकी क्रिशा माता पिता साथे रहेता हता। सागर देवे अने दीपालीना लग्न 3 वर्ष अगाउ थया हता। मूळ महाराष्ट्रना नांदुरा जिल्लाना बुलडाना वतनी छे। दाम्पत्य जीवनमां पण सतत कंकास थतो रहेतो होवानी चर्चा चाली रही छे। पतिना परिवारना सभ्यो साथे दीपाली खुश न होय तेवुं जणाय आवतुं हतुं। मृतक दीपालीना भाई पुनीत सोनावणीए जणाव्युं हतुं के मारी बहेनना पारिवारिक झगड़ा थया हता। तेओनी सासू अने नणंदना कारणे पारिवारिक झगड़ा थता हता। पारिवारिक झगड़ाने कारणे आ पगलू भर्युं होय एम लागे छे। मारी बेन घणा समयथी उदास रहती हती। ते पारिवारिक जीवनमां खुश न होय तेवो मने अनुभव थतो हतो। मृतक महिलानुं सिविल होस्पिटलमां मेडिकल ऑफिसर द्वारा अने बाळकीनुं फोरेन्सिक विभाग द्वारा पोस्टमोर्टम करवामां आव्युं हतुं। बन्नेना शरीर पर कोई ईजाना निशान मळी आव्या हता। तेमज बन्नेना मोत डूबी जवाना कारणे थया होवानी प्राथमिक शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। बन्नेना सेम्पल लई फोरेन्सिक विभागमां तपास माटे मोकलवामां आव्या छे। ब्यूरो रिपोर्ट, एलके स्टार न्यूज, सूरत।